सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल अंदर अंदर खोज खोज कर एक्सक्लूसिव खबर लाने वाले चैनल महालक्ष्मी आज भी एक्सक्लूसिव बात करेंगे साथ सादर जय जिनेन्द्र के साथ। अवन दिन आज चतुर्दशी का दिन है, आज 18वें तीर्थंकर का आज जन्म कल्याणक है। 16वें 17वें 18वें शांतिनाथ भगवान जी, कुंतुनाथ भगवान जी, अरणा जी, तीनों का बैक टू बैक गर्भ जन्म तप ज्ञान कल जहाँ होता है वहाँ पर है हमारे 18वें तीर्थंकर का जन्म कल्याणक। जानते हैं आप 18वें तीर्थंकर जानते ही हैं, साथ में 7वें चक्रवर्ती और 14वें कामदेव भी। ऐसे पावन दिन आज आपको ये चिंतन वाली खबर लाए हैं आपके पास। बिहार के अंदर अभी तो दुर्घटनाएं सुनी थी, अब मालूम चला दुर्घटनाएं छेड़छाड़ के लिए होती हैं। जैन आरिकाएं आचार्य श्री विभा सागर जी, इन्हीं की शिष्या हैं। सत्संग जो था आरिका श्री अरहम श्री जी, आरिका श्री अरहम श्री सहित तीन माताओं जी का चतुर्मास हुआ था अभी आगरा के कमला नगर में, और वह कमला नगर आगरा से हस्तनापुर उनका विहार चल रहा है इस समय आगरा की टीम के द्वारा। होटल से आज सुबह विहार था, लगभग 7 बजे के बस शुरू हुआ था, थोड़ा उससे पहले पलवल की ओर जा रही थी कि पलवल से 3 किलोमीटर पहले ही तीनों आरिकाओं के साथ लोग जा रहे थे विहार करवा रहे थे। देखा सामने से एक बाइक के ऊपर 2 सवार आ रहे हैं, पर उनकी नज़र अपने सड़क पर नहीं है, वह आरिकाओं की तरफ देखते घूरते आ रहे हैं। आरिका श्री ने देख लिया क्या हो रहा है, और जब तक नज़दीक आते हो देखा कि वह सड़क की बजाय इस ही ओर आने लगे हैं जो साइड में आरिकाएँ चल रही थी। और अचानक क्या होता है, जब तक संभलते वह बाइक वाले उन तीनों आरिकाओं के बीच में घुस जाते हैं, छेड़छाड़ की कोशिश होती है। एक आरिका है श्री अरहम श्री जी और इधर अरहम श्री जी थड़ाक से गिर जाती हैं, सपाट गिर जाती हैं आरिका श्री अरहम श्री जी, बाईं तरफ से गिरती हैं, सारी खुर्सन आ जाती है, चोट लग जाती है, बाइक वाले सवार 9 तो 11 हो जाते हैं। छेड़छाड़ की यह कोशिश सरेआम सड़क पर विहार करते हो जाती है, लोग स्तब्ध हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, यह क्या हो रहा है। कोई कहे बाइक से दुर्घटना की नहीं, यह साफ लग रहा था, आरिका ने साफ बताया। मनोज बाखलीवाल जी आगरा से और पीएनसी वाले सब लोग तुरंत घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पहुंच गए घटना स्थल पर। आरिका श्री को डॉक्टर के पास दिखाया, इलाज करवाया और बाद में चेकअप करवाया, कोई अंदरूनी चोट तो नहीं आई। आरिका श्री ने स्पष्ट बताया यह कोई जानबूझकर दुर्घटना की बात नहीं थी, यह छेड़छाड़ के हम इरादे साफ दूर से ही नजर आने लगे थे, हम जब तक संभलते कि वह बिल्कुल सामने आ गए और बदतमीजी की हदों में सीमाएं पार होने लगी। आज समाज के साथ ये बड़े चिंतन की बात है, अभी तक हम विहार के अंदर यही घटना सो पा रहे थे कि दुर्घटनाएं जानबूझकर होती हैं, अब आर्य पहले भी एक बार ऐसी छेड़छाड़ की घटना सामने आ चुकी है और आज ये दूसरी घटना ने सारे समाज को स्तब्ध कर दिया है। दिल्ली के पास पलवल और होटल के बीच यह हुई घटना, चैनल महालक्ष्मी ऐसी कुरुतियों अराजक तत्वों के बड़ी गंभीर रूप से एक्शन लेने की त्वरित कार्रवाई की मांग करता है और आशा है आप लोग भी इसमें हमारे साथ होंगे। और अब बात करते हैं इन दृश्यों की, विश्वास कीजिए हर किसी की आंखों में एक बार देखने बाद कैद हो जाते हैं, जैन जनेतर का भेदभाव यहां आकर मिट जाता है। दृश्य है ललितपुर से जब निरपक्षवण सुधा सागर जी महाराज का विहार हुआ, इसी टोल प्लाजा में पहुंच गए थे, नेशनल हाईवे 44 पर जो ललितपुर झांसी टोल प्लाजा है। महाराज जी जा रहे थे, लोग उनके साथ थे, सैकड़ों से बड़ी संख्या में थे, कह रहे थे महाराज जी बाएं मुड़ जाएं, ये टोल प्लाजा है, यहाँ बहुत ट्रैफिक आता है और यहाँ बीच में बहुत कंकड़ और चुभने वाली चीज़ें हो सकती है, आप बाएं से किनारे। लेकिन महाराज थे सिंह की दाढ़ वाले, जंगल के शेर की तरह, भाई मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ मैं उसी टोल प्लाजा से आगे निकलूँगा। यह खबर टोल प्लाजा पर करने वाले कर्मचारियों को भी मिल गई कि ये महाराज जो आ रहे हैं दिगंबर साधु ये सीधा ही हो जाएंगे, सामने कंकड़ है, पत्थर है, नुकीली चीजें, क्या होगा इनके पैरों पर। बस अब ये दृश्य देख रहे थे आप, यही दृश्य है स्लो मोशन में देख रहे हो आप, कुछ चरणों की रज लेने को आतुर थे और कई झाड़ू लगाकर उस जगह को साफ करने में, कोई जैन बंधु नहीं था इसमें, कोई जैन को मानने वाला नहीं था, पर देखिए जब दिगंबर संत निकलते हैं तो जंगल में शेर ही नहीं शहरों में शेर बनकर निकलते हैं। गजब का दृश्य था, चरणों पर कोई धूल लेने को आतुर था और कोई आगे आगे झाड़ू लगाता जा रहा था, यह है दृश्य टोल प्लाजा पर, देखकर हर कोई रोमांचित हो जाता है। आज श्रावस्ती के बारे में बताइए, पहले आप बताते हैं ये वासु पूज्य भगवान की पांचों कल्याणक वाली चंपापुर के दृश्य देख रहे हैं, 13 पंथी कोठी देख रहे हैं शीतलनाथ भगवान के मंदिर आगे से, क्यों दिखा रहे हैं। एक श्रावक ने कल ही हमें वीडियो भेजा है कि टोपी वाले अंकल जी कृपया इसके बारे में बता दें, समाज को बच्चता दें,
यहाँ पर उनका दावा यह है कि आप यहाँ पर आकर दर्शन करते हुए बगैर नाक पर रुमाल या रुमाल नाक बंद करे नहीं निकल सकते। अभी तक तो कोरोना ने नाक बंद कर रखी थी आपकी, अब यहाँ पर इतनी बदबू आती है कि जगह जगह पानी नाले की गंद की तरह यहाँ पर सड़ान के आपको कोरोना की तरह नाक बंद करके ही चलना पड़ता है। इतनी गंदगी है, यह शिकायत है श्रावक की जो आप तक पहुँचाई। हमारे तीर्थ उतने ही सुंदर रहने चाहिए जिस समय वह तीर्थंकर के काल में दिखते थे। बस यही अनुरोध है वहाँ की कमेटी से और व्यवस्थापकों से। यह चित्र यादगार बन जाएगा। श्री महावीर जी से है, नमस्कार वर्धमान, चलते फिरते हो आप भगवान। जी हाँ, आचार्य वर्धमान सागर जी। और नतमस्तक यहाँ पर चांदनपुर से जो भी श्रद्धालु आते हैं ना, हम जैन की बात नहीं कर रहे, हम जैनत्र की बात कर रहे हैं। ऐसे जो यहाँ पर है कहते हैं हमने अंदर एक श्री महावीर स्वामी की आकृति को देखा है और ये बाहर आचार्य श्री वर्धमान जी को देखा है। नतमस्तक कैसे होते हैं, दंडवत कैसे होते हैं, बस ये दृश्य आपको बता रहा है, यादगार दिला रहा है। नतमस्तक में भक्ति और श्रद्धा अपरंपार है। हाँ, तो आज है हमारी चतुर्दशी को 16वें के बाद 18वें तीर्थंकर अरनाथ जी का जन्म कल्याणक। और कल क्या है, बैक टू बैक चतुर्दशी, आज मंगसर शुक्ल की पूर्णिमा है, पल आखिरी दिन मंगसर मिलेगा, तब हमारे तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ जी का तप कल्याणक। 60 लाख वर्ष पूर्व आयु थी, जानते हैं ना आप, पहले तीर्थंकर की 84 लाख आदिनाथ जी की, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी की 72 लाख पूर्व और आपकी 60 लाख पूर्व की आयु। उनका 3000 फुट कद, फिर 2700 फुट और आपका 2400 फुट ऊंचा कंध था। श्रावस्ती में सुसेना महारानी के गर्भ से आपका जन्म हुआ था। और जब 44 लाख पूर्व, एक पूर्व जानते हैं ना आप कितना होता है, 84 लाख वर्ष पूर्वांग के बराबर। और फिर एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष के बराबर, सोचिए आयु कितनी, 84 लाख गुणा 60 लाख, कैलकुलेटर गिनती नहीं कर पाएगा, इतनी आयु थी, आप सोच लीजिए। फिर 44 लाख वर्ष पूर्व और 4 पूर्वांग के बाद राजपाट करने के बाद एक दिन आपकी तरह छत पर बैठे थे अपने राजमहल की। बादल आते हैं संडे में, देखो ना आप, कभी संडे को बैठे मंडे को देखो, जब दोपहर को बैठना, बादल आते हैं जाते हैं, उमड़ते हैं घुमड़ते हैं, पर आज प्रदूषण में कहाँ दिखते हैं। पर हाँ, देखा बादल जाते जाते खत्म हो गए, नए बादल आए खत्म हो गए। अरे इसी तरह नाश जीवन का होता है, बस निसार समझ के चल दिए सोहेत गुण में। आज ही के दिन, आज नहीं मतलब कल के दिन, मंगसरी शुक्ल पूर्णिमा के दिन जब चांद आसमान में पूरा खिलता है, उसी दिन कहते हैं वैराग्य का भाव मिलता है। 1000 राजा साथ चल दिए, हाँ भाई हाँ, जब ये जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ खास होगा। राजपाट सब एक तरफ, चलते हैं दीक्षा की तरफ। सहित गुण पहुंचे, पंचमुष की स्लोच किया और 14 वर्ष कठोर तप के बाद आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोलिए हमारे तीसरे तीर्थंकर श्री संभवनाथ जी के तप कल्याण की जय जय जय। जाते जाते ये खबर, दर्शन कर रहे हैं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के, कुछ इन्हीं से नाता रहा गृहस्थ जीवन में। जी हाँ, गत मंगलवार की घटना है, 75 वर्षीय इंद्रसेन जैन जी जा रहे थे कि अचानक पिछले बाइक वाले ने रोज टक्कर मार दी। हम बार बार कहते हैं जरा सी असावधानी में क्या होता है, गलती अपनी नहीं होती है, मार दूसरा गया, अस्पताल पहुंचाया गया, पर कहते हैं होने को कुछ और मंजूर था, बस सांसें रुक चुकी थी, अब अगले पड़ाव की जैसे इंतजार में थी। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह नए एपिसोड में, खास बात करेंगे ताजमहल भी जिसके सामने पानी भरता है। सादर जय जगन्नाथ।